सीएम योगी का सोनभद्र दौरा, आज कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिन परियोजनाओं में 50 बेड का आयुष अस्पताल भी शामिल है। लखनऊ में सीएम योगी आज आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे, सुबह 11 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम। 23 दिसंबर को फिर वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, अमूल प्लांट का शिलान्यास करेंगे, बनारस काशी संकुल परियोजना की सौगात देंगे। अमूल प्लांट के खुलने से करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय दोगुनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में मैराथन दौरा, अगले 10 दिन में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। 24 दिसंबर को प्रयागराज से शुरू होगा गृह मंत्री का यूपी दौरा, 21 सभाएं 3 रोड शो करेंगे गृह मंत्री। सीएम योगी ने पीएम मोदी के एक फोटो को शेयर किया, जिसमें पीएम बच्चों को दुलार कर रहे हैं और लिखा है, स्नेह है, दुलार है, सुरक्षा है, सम्मान है, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की यही पहचान। बरेली में बीजेपी किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन, किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे राधा मोहन सिंह। यूपी के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आ सकते हैं राजा भैया, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच हो सकता है गठबंधन। यूपी में संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में योगी सरकार, 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा कर्मी नियमित होंगे, अधिसूचना हो चुकी है जारी, अब संबंधित विभाग से मांगे गए प्रस्ताव। लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश, करना किसानों को बोनस दे सकती है यूपी सरकार। चुनावी दंगल में फिर उठा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, ऊर्जा मंत्री ने कहा 24 घंटे बिजली चाहिए तो बोलो राधे राधे, सांसद हेमा मालिनी ने कहा मथुरा में जल्द बने भव्य कृष्ण मंदिर। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की मांग की, कहा अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। कानपुर में कांग्रेस के शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन, महाराष्ट्र सरकार की मंत्री वर्षा गायकवाड़, सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक ने शिरकत की। यूपी में चुनावी तैयारियों का श्रीगणेश, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसी, लखनऊ में कंट्रोल रूम कॉल सेंटर के लिए नोडल अधिकारी नामित। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मऊ में हुंकार भरी जन विश्वास यात्रा के दौरान, घोसी में जनसभा की विपक्ष पर निशाना साधा। बांदा पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, मंत्री लाखन सिंह यात्रा का कर रहे नेतृत्व, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर में 4 नए आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। लखीमपुर खीरी में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल करेंगे रैली, खीरी जिले के नकहा में सीएम भूपेश बघेल की रैली। लखनऊ में तमंचा लेकर भौकाल दिखाने वाला रोहित अग्निहोत्री गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी असलाह लहराते हुए वीडियो। लखनऊ में होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक में डांस का वीडियो वायरल, होमगार्ड्स के साथ डांस कर रहे गेंदेलाल वर्मा। यूपी के अयोध्या में रामदरबार मंदिर में भगवान के गर्भगृह में लगाया गया हीटर, ठंड से बचाने के लिए भगवान को पहनाए गए मखमल के गर्म कपड़े। अमेठी से तीर्थ दर्शन यात्रा आज अयोध्या धाम पहुंची, इस यात्रा में लगभग 3 बसों पर सवार होकर 150 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। श्रावस्ती में फिर दिखी एसपी नेता की दबंगई, हुटर बजाते निकला प्रखर कलहंस की गाड़ियों का काफिला। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा का बड़ा दांव, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगवाई भगवान परशुराम की मूर्ति, शुभ मुहूर्त में अखिलेश यादव करेंगे उद्घाटन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी से इस बार हो रही बाबा और बीजेपी की छुट्टी, बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, चाउमीन के ठेले से की बीजेपी के जन विश्वास रथ की तुलना। ठंड में पशु पक्षियों को बचाने के लिए लखनऊ जू में किए गए अच्छे इंतजाम, सांभर व्हाइट टाइगर बाघ के बाड़ों में हीटर लगाए गए। वाराणसी में ठंड के कारण 2 दिन तक स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने दिए इंटर तक के स्कूल बंद करने के निर्देश। पीलीभीत में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया, असलेह का जखीरा पुलिस ने किया बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्त को शराब बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गाजीपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 44,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। रायबरेली में फिर एक असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई तमंचे और उपकरण बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार।
अलीगढ़ में ट्रक ने स्कूटी सवार पिता पुत्री को मारी टक्कर, हादसे में बेटी की मौत, पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। रायबरेली पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से बरामद किया गांजा, पुलिस ने ट्रक चालक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली पुलिस ने चोर गैंग का किया पर्दाफाश, चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 6 लाख के जेवरात बरामद किए। उन्नाव में रेस्टोरेंट में खाने के दौरान दो पक्षों में मारपीट, एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ में लोगों ने युवक को लाठी डंडे से पीटा, सिर पर चोट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, वीडियो वायरल। चंदौली में सगी बहनों ने गंगा में लगाई छलांग, मल्लाहों ने बचाई जान, पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। कन्नौज में घर के बाहर आग ताप रही 4 साल की बालिका के साथ युवक ने दुष्कर्म किया, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव, रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका। मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा, अवैध संबंधों के शक में दोस्तों ने की थी हत्या, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, एसओजी और बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूपी और बिहार में ज्वेलर्स शॉप को बनाते थे निशाने। रामपुर में संदिग्ध हालात में किसान की मौत, परिजनों ने गोली मारकर आत्महत्या की कही बात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में फिर कोरोना ने दस्तक दी, एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, 115 दिन बाद फिर से जिले में कोरोना की वापसी। बलरामपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया। उन्नाव में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप, हारे प्रत्याशी ने मतगणना स्थल के बाहर प्रदर्शन किया। बदायूं में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत, थाना जरीफ नगर क्षेत्र के दगवा चौराहे की घटना। रामपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हादसे में पत्नी और पति की मौत, बाइक सवार दंपति को डीसीएम ने रौंदा। सीएम धामी कटेरी और चंपावत दौरा, आज घनसाली विधानसभा क्षेत्र को देंगे विकास योजनाओं की सौगात, चंपावत में विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में हड़ताल पर जाने की तैयारी में 3 ऊर्जा निगम के कर्मचारी, आज करेंगे 1 दिवसीय सत्याग्रह, 14 सूत्रीय मांगे न माने जाने पर 31 दिसंबर से हड़ताल करेंगे। उत्तराखंड में बिजली महंगी करने की तैयारी, ऊर्जा निगम ने विद्युत नियामक आयोग को भेजा प्रस्ताव, 4% बिजली की दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया, 4 हफ्ते में चुनाव संपन्न कराने का आदेश। 23 दिसंबर को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी अल्मोड़ा, 27 दिसंबर तक जिले में ही रहेगी विजय संकल्प यात्रा, सीएम धामी भी यात्रा में शामिल होंगे। उत्तराखंड में जारी है सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश, अब कांग्रेस शुरू करेगी वीर प्राम प्रणाम यात्रा, सैनिकों के गांव जाएंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता। देवभूमि में महिलाओं से संवाद करेगी आम आदमी पार्टी, 24 दिसंबर से शुरू करेगी सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान, महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश। दिल्ली में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने देखा केजरीवाल मॉडल अस्पताल और स्कूलों का निरीक्षण किया, उत्तराखंड में सरकार बनने पर दिल्ली मॉडल लागू करने का वादा किया। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग, डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने दी जानकारी, विदेश से आने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग की जा रही। खटीमा में ग्रामीणों ने खुद शुरू किया नहर की सफाई का काम, कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं कराई नहर की सफाई। गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा, सरदार पटेल रिंग रोड पर चल रहा निर्माण कार्य, बाल बाल बचे हैं मजदूर। माता वैष्णो देवी में सिलेंडर में विस्फोट होने से हादसा, अर्धकुमारी मार्ग पर ढाबे में ब्लास्ट, हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाकिस्तान रेंजर्स कर रहे थे अवैध निर्माण, भारत की चेतावनी के बाद बंद किया अवैध निर्माण। हरियाणा के गुरुग्राम में बंद पड़ी कंपनी में भयंकर आग लग गई, लाखों के नुकसान का अनुमान। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, 4 सदस्य जांच कमेटी गठित की, अगले 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। दिल्ली में कोरोना के 102 नए मामले आए सामने, जबकि 1 की मौत हुई, ठीक होकर डिस्चार्ज हुए 75 लोग। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 54 हुई, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 211 मामले। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया, वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाए। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी, कहा ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी से फैल रहा, ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए काम करें।
14 राज्यों तक पहुंचा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण, जम्मू कश्मीर में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 और नए मरीज आए सामने, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 65 केस। एक दिन पहले आज खत्म हो जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार ने सभी जरूरी काम निपटाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय गोवा दौरा, आज गोवा में बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वायनाड दौरा, आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के उदयपुर में रफ्तार का कहर, 5 लोगों को सरेआम कार ने कुचला, हादसे में मां बेटी की मौत, 3 लोग घायल। राजस्थान में कोयला खदान को लेकर फंसा पेंच, सीएम गहलोत ने लिखा सोनिया गांधी को पत्र, कहा केंद्र की मंजूरी के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही अनुमति। भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी है शिवराज सरकार, जुलाई से नवंबर के बीच लिया गया 14,000 करोड़ का लोन, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बालोद के सरदार पटेल मैदान में शुरू हुआ युवा महोत्सव, जिले भर के कलाकारों की टीम ने हिस्सा लिया। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स इंडिया के बीच मर्ज की डील पर हुआ साइन, मर्ज के बाद भी पुनीत गोयनका जी के एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद सोनी की हिस्सेदारी 50.86% रहेगी, एसएल ग्रुप की हिस्सेदारी 3.99% होगी। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। भारत से कारोबार समेट रहा सिटी बैंक, सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस खरीदार की रेस में एक्सिस सबसे आगे। उद्योगपति स्वराज पॉल की नजरें भारत ब्रिटेन अधिग्रहण पर, कोरोना प्रकोप के बाद उठाएंगे कदम। अंटार्क्टिका में आइस मैराथन के 16वें संस्करण का आयोजन, दुनिया के 18 देशों से 62 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, इस दौरान -15 डिग्री तापमान रहा। ब्राजील के रियो एक्वेरियम में मछलियों के साथ सेंटा बना आकर्षण का केंद्र, सेंटा की कॉस्ट्यूम पहने ड्राइवर्स ने शार्क्स के साथ करतब दिखाया। वेनेजुएला में सेंटा की तरह लाल कपड़े और टोपी में तैयार सैकड़ों लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया, हर उम्र के लोग मौजूद रहे। अफ्रीकी देश खाना की संसद में मोबाइल मनी टैक्स बिल को लेकर विवाद, सदन में सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद मारपीट हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में आए नए मेहमान, राष्ट्रपति बाइडेन ने नए डॉग और बिल्ली का स्वागत किया, जर्मन शेफर्ड डॉग का नाम कमांडर रखा गया। इटली की ट्रासिमेनो झील में दिखा अद्भुत नजारा, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना, झील पर बनाया गया 1 किलोमीटर से भी लंबा क्रिसमस ट्री। आर अश्विन ने टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री पर लगाया अनदेखी का आरोप, कहा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगा था। इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को खास सलाह दी, कहा मैंने हमेशा कहा है फ्रंट फुट डिफेंस बेहद अहम है। शाहिद कपूर का फोटोशूट वीडियो है सामने, वीडियो में शाहिद स्टाइलिश लुक में नजर आए। टाइगर श्रॉफ ने डांस करते हुए वीडियो शेयर किया, फैंस को पसंद आया टाइगर का डांस। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा, अपने कातिल अदाओं से उर्वशी ने उड़ाए फैंस के होश। रुबीना दिलैक का मजेदार वीडियो, वीडियो में रुबीना चमकर मस्ती करती हुई नजर आई। फिल्म 83 के प्रमोशन में दिखा 83 के रियल स्टार का देसी अंदाज, चाय की चुस्की लेते दिखे दिग्गज क्रिकेटर। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, फिल्म 83 हो गई टैक्स फ्री, सस्ते मिलेगी टिकट। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने शॉर्ट ड्रेस में कराया बोल्ड फोटोशूट, इन तस्वीरों में पलक बेहद हॉट पॉज देते हुए दिख रहे हैं। बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल ने शेयर किया लुसिफर का पोस्टर, कहा असली बिग बॉस तो यहाँ है। खबर है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर पर बनेगी वेब सीरीज, जैकलीन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसाया, नोरा फतेही के साथ भी धोखा किया। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी की जांच तेज, सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए ठगी का आरोप।